कधी कधी राजकारणात यायचं स्वप्न बघितलं नव्हतं, पण भ्रष्टाचार हटवण्यासाठी उपोषण केलं, आंदोलन केलं. अरविंद केजरीवालांनी अनेक दिवस धरणे आंदोलन केलं, पण ज्यांनी भ्रष्टाचार हटवायचा त्यांनी सांगितलं की भ्रष्टाचार हटवायची हिंमत असेल तर लोकसभेत येऊन जा. आणि म्हणून जनतेच्या पाठिंब्यावर हे आव्हान स्वीकारलं. ही तरुणाई गेले अनेक वर्ष हा या देशातून महागाई हद्दपार व्हावी, भ्रष्टाचार संपवा म्हणून सातत्यानं संघर्ष करत. तुमच्या सारख्या माणसांनी त्या लढाईत साथ दिली, आता निवडणुकीच्या लढाईत पण साथ द्या. अनेक निवडणुका आल्या, दरवेळेला आपलं मत विकत घेतलं, मतासाठी आले, पण 5 वर्ष मात्र फिरकले नाही. यावेळेला जरा आपल्या माणसाला निवडून द्या. झाडू चुनाव चिन्ह आहे, प्रत्येकाच्या घरात झाडू आहे, माझ्या घरात पण आहे. घर साफ करायला झाडू वापरता, आता झाडूचं चिन्ह जरा देशातली महागाई आणि भ्रष्टाचार साफ करायला वापरा. 17 एप्रिलला मतदानाला पण या आणि झाडूला पसंती द्या. खूप झालं इतके वर्ष असोसलं, स्वातंत्र्य मिळून 65 वर्ष झाली, पण आपल्या वस्तीपर्यंत स्वातंत्र्य काही आलं नाही. आता जरा खऱ्या अर्थानं आपल्या माणसांनी, तुमच्या सारख्या माणसांनी दिल्लीमध्ये बदल घडवला, तोच बदल जरा पुण्यात घडवूया. पुण्याला एक चांगला खासदार देऊया, जनतेसाठी भांडणारा, जनतेसाठी संघर्ष करणारा खासदार देऊया. झाडूला विसरू नका, एवढी विनंती करायला मुद्दाम तुमच्यापर्यंत आलोय. धन्यवाद. अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं पुणे में, आपको क्या लगता है इसमें लोकसभा चुनाव में किस पक्ष की ज्यादा भूमिका रहने वाली है, कौन सी पार्टी को ज्यादा मजबूती देने वाले हैं सब लोग मिलके? अभी तो जैसा वातावरण चल रहा है तो हम ये पार्टियां चल रहा है आम आदमी पार्टी. ऐसा आपको क्यों लगता है? बाकी पार्टियां तो बहुत पहले से है, आम आदमी पार्टी तो अभी आया है. पार्टी पहले से है, लेकिन अभी जो नए आदमी खड़े हुए तो वो अच्छा ही काम करेंगे ना, और अच्छा ही करते चले आएंगे. अच्छा ही करते चले आएंगे. तो आपको कैसा महसूस हो रहा है इतने समय से, अभी जब चुनावी प्रकरण चालू है, सब पार्टियों का प्रचार चालू है, आम आदमी पार्टी के लोकसभा के उम्मीदवार श्री सुभाष वारे आज अपने बस्ती में आए हैं, यहाँ पे आए हैं अम्बेडकर नगर बस्ती में, पर्वती में, गुलटेकड़ी में, तो आपको कैसा लग रहा है? ऐसे में ऑल पार्टियों के लोग भी आ रहे हैं क्या? अभी तो नहीं है, लेकिन आपको लग रहा है कि आम आदमी पार्टी को मत देना अच्छा रहेगा? ठीक है, धन्यवाद. आप कितने समय से आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं? 2 महीने हो गए. 2 महीने हो गए. क्या सोच के आम आदमी पार्टी से जुड़े हैं आप? थोड़ा सच्चाई कर्तव्यदारी देख के आम आदमी, सच्चाई देख के, ईमानदारी देख के. तो अभी आज आम आदमी पार्टी के लोकसभा के खासदार के उम्मीदवार श्री सुभाष वारे जी आपके बस्ती में अम्बेडकर में आए हैं, तो आपको कैसा लग रहा है, उनको कहाँ कहाँ लेके गए और आपका क्या आगे काम करने का तरीका रहेगा? सब गली गली छान मारा और सब लोगों का हमको रिस्पांस मिल रहा है. किस तरह के प्रतिसाद मिल रहा है लोगों का? लोगों का अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, लोग बोल रहे हैं कि आपको बदलना जरूरी है. बाकी कुछ लोगों का ऐसा है कि आप खाली उनको लाओ, हम आप उनको चुनेंगे. तो अभी कल उन्होंने अपना नामांकन दाखिल किया, उसके बाद आज हमारे बस्ती में पहली बार आए हैं, तो उससे क्या आपको बहुत अच्छा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, वो पहली बार हमारे घर पे उनके कदम आए. तो आज रात को वो आपके घर पे रहने वाले हैं? मेरे घर पे रहने वाले हैं. ये विट्ठल जी का खोली है, जहाँ आज रात को आम आदमी पार्टी के पुणे लोकसभा के उम्मीदवार श्री सुभाष वारे जी रहने आने वाले हैं. विट्ठल जी, आप वारे जी को खाने में क्या खिलाने वाले हैं रात में? सर खाली भाकरी है, जोहरची आणि सोयाबीनची भाजी है. तो वारे जी के साथ आज आप रात में यहाँ पे रुकने वाले आपके खोली में. जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद. वेलकम सर.